शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। नमस्ते सर, स्कूलों में वैक्सीन को लेकर उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। जिले में सरकारी और निजी सभी स्कूलों के जो 15 से 18 वर्ष का आयु वर्ग है उनके बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। इस संबंध में सभी संस्था प्रधानों को स्कूलों जो भी स्कूल हैं उनके सभी संस्था प्रधान को विद्यार्थियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। गत दिनों ही चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे ने शिक्षा विभाग के जो वैक्सीनेशन के जो पात्र स्टूडेंट्स हैं उनके आंकड़े ले लिए हैं। अब स्कूलवार वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जाना है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए कि 3 जनवरी से सरकार को कोविड को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी होनी है। ऐसे में टीचर्स और पेरेंट्स को लेकर यह भी संदेश जताया जा रहा है यदि स्कूल बंद होने के आदेश हो जाते हैं तो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो पूरा कैसे हो पाएगा। हालांकि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जो कहता है उस महकमे की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, मगर फिर भी सरकार की ओर से नई गाइडलाइन का इंतजार अभी किया जा रहा है। 1 जनवरी को अभी स्कूल खुले हैं शीतकालीन अवकाश के बाद में, हालांकि 24 दिसंबर को हाफ ईयरली कंप्लीट हुए थे, उसके बाद 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश था। उसके बाद में जैसे ही आप 1 दिसंबर को अभी शनिवार को स्कूल खुले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम थे स्कूल में पहुँचने वाले। तो उम्मीद है कि जैसे ही 3 जनवरी से शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार स्कूल खोले जाते हैं उसके बाद में स्टूडेंट्स की संख्या पूरी हो और सुनिश्चित किया जाए कि सभी स्टूडेंट्स डेली पूरे स्कूल में उपस्थित हों जिससे वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरा जल्द से जल्द पूरा हो। बाकी जो भी आदेश होते हैं कि स्कूल को लेकर छुट्टी अगर होती है तो किस तरह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरा किया जाएगा और सफल बनाया जाएगा इस बारे में जल्द से जल्द अपडेट करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए आप चैनल के साथ जरूर से बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।